मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। चंद्रान गुट्टा के इलाके में BJP के कार्यकर्ता और लीडर्स ने मिलकर TRS हुकूमत के खिलाफ रास्ता रोको एहतजाज किया है। एहतजाज करने की वजह यह है कि गणेश की मूर्तियों को टैंक बंड में डालने नहीं दिए जाने पर यह एहतजाज किया गया है। BJP के पार्टी वर्कर्स का कहना यह है कि गणेश की मूर्ति को पानी में डालने से वाटर पॉल्यूशन नहीं होता। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। गणेश महाराज की जय। आज गणेश उत्सव के लिए जो निमज्जन के लिए इतना बड़ा इशू बनाए हैं, मैं गवर्नमेंट से एक ही क्वेश्चन करना चाहता हूं। पोल्यूशन पोल्यूशन बोल रहे हैं और पोल्यूशन बोर्ड से बाज़ाब्ता डिक्लेयर हुआ कि प्लास्टर ऑफ पैरिस से पोल्यूशन नहीं होता, फैक्ट्रीज से होता है। वो फैक्ट्रीज को क्यों नहीं रोक रहे? जान दो, फैक्ट्रीज आपके हाथ में नहीं है। KCR साहब, मैं आपसे एक मामूली सा क्वेश्चन करता हूँ। गवर्नमेंट के जितने गाड़ियाँ हैं, ये मेरा चैलेंज है, 90% गाड़ियाँ पूरे पोल्यूशन से, धुएं से चलते हैं, उसके ऊपर पहले एक्शन लो। हमारे पास, हमको परमिशन दो और गणेश बिठाने की कोशिश करो। ये कैसा हो गया बोल तो, कोर्ट का भी आजकल हम बड़ी इज्जत के साथ में मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक डॉक्टर के पास जाते बुखार आया बोल के, तो डॉक्टर बोलता खाना नको खाओ। अरे खाना नको खाओ तो फिर क्या खाना, वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन खाना नहीं खाना, ऐसा बोल रहे। टैंक बंड में नहीं डालना बोल रहे, विनय सागर में, फिर कहाँ डालना? उसका तो ऑप्शन दो, वो भी नहीं, ये भी नहीं, ये सब नहीं। हर साल के वैसा सब लोग करेंगे। और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है और आवाम से भी रिक्वेस्ट है कि कोई डरने की बात नहीं है, शांतिपूर्ण से हम लोग जाएंगे वहाँ पर निमज्जन करके आएंगे। जय बोलो गणेश महाराज की। जो KCR सरकार ने लास्ट 5 ईयर से कोर्ट में जो चक्कर चल रहा था पोल्यूशन पोल्यूशन बोल के, एक्चुअली वो पोल्यूशन ये विनायक निमज्जन से न हो रहा है। वो पोल्यूशन अपना जीडीमेटला, कुकटपल्ली और पटानचेर से जो केमिकल का जो वाटर आ रहा है उसका वजह से हो रहा। जहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट लगाए वहाँ पे कौन सा पोल्यूशन कंट्रोल का जो वो रखना चाहिए था वो काम भी नहीं कर रहा। खाली एक दिन जो विनायक जी को विसर्जन करने से, वहाँ पे निमज्जन करने से, एक दिन ही वो पोल्यूशन नहीं होता। वो वांटेडली KCR गवर्नमेंट ने जो हिंदू मनोभाव से खिलवाड़ कर रहे उसके लिए हम लोग बहुत तेज़ी से खंडन कर रहे। ये हिंदू मनोभाव से जो KCR गवर्नमेंट ने वांटेडली एवरी फेस्टिवल को ऐसा क्रिटिक्स या प्रॉब्लम्स शुरू करते रहते। जो पर्सन ने हाईकोर्ट में जो रिट डाला उसको कंपलसरी KCR गवर्नमेंट उसको जवाब देना था, जवाब नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट को चले गए। इनके सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट नहीं आए तो इन फेवर ऑफ गणेश उत्सव समिति क्या करेंगे? घरों में बड़े बड़े विनायकों को मंडपों को लगाए, बस्तियों में बड़े बड़े गण मंडपों को लगाए, फिर कहाँ पे विसर्जन करना हो, कहाँ पे निमज्जन करना हो? हैदराबाद का 41 फीट्स का विनायक है, कहाँ पे निमज्जन करना? चंद्रान गुट्टा का 25-23 का है, वो कहाँ पे निमज्जन करना? ये इतना तो भी नॉलेज में रहना चाहिए। ये फेस्टिवल एवरी ईयर ऐसे हो रहा है,
ये फेस्टिवल के लिए, स्पेशली केसीआर गवर्नमेंट आने के बाद तेलंगाना फार्म फेस्टिवल, तेलंगाना फार्म इसलिए नहीं करवाया कि जो हर एक फेस्टिवल को ऐसा इंटरप्ट होना, गवर्नमेंट का ड्यूटी ये रहता कि जो फेस्टिवल बना रहा लोगों उसके लिए जस्ट प्राइमरी फैसिलिटीज मौलिक जो सदपा है उसको फुलफिल करना चाहिए गवर्नमेंट, वो भी नहीं करे तो गवर्नमेंट किस लिए? रिजाइन करके आराम से गवर्नमेंट बैठे, नहीं तो फार्म हाउस में बैठो। केसीआर साहब, आपको हुकूमत चलाने को नहीं आ रहा, हुकूमत चलाने वालों को हाथ में हुकूमत लेते हम लोग, ये शब्द कहते हुए कंपलसरी 19th के दिन हम लोग विनायक सागर जाएंगे अपने अपने मंडपों के साथ, और निमज्जन 19th के दिन अनंत चतुर्दशी के दिन कंपलसरी उसी में करेंगे। जय बोलो गणेश महाराज की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।